दोस्तों, बोली में हम लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। यहाँ पर सिग्नल की ट्रेनिंग थी, जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा ये कमरा छोड़ते हुए, लेकिन जाना तो ही पड़ेगा। ये प्रकृति के नज़ारे याद आएंगे। तो हम लोगों की यहाँ पे बोली में आज विदाई है, पेपर लास्ट दिन है। कुछ कहोगे? बोली याद आएगा? अब बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल यार, याद करके भूली को मैंने एक महीना हमने यहाँ गुजारे हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमको, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छे वक्त गुजारा है हमने। और अब जा रहे थे कि जी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग भूली को भूल के कहाँ पे कहा आसनसोल एग्जाम दे दिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब 3 साल बाद फिर से आने का मौका मिलेगा। यहाँ के एग्जाम का एक्सपीरियंस बताओ, ऐसा लग रहा सीबीटी बनने रहा है। अच्छा गया है, सौ का सौ किए हैं पूरा। एक नंबर काट सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं काट। 99 तुम्हारा कितना आएगा? राम राम भाइयो, 90 से कम नहीं आएगा, 90 से कम नहीं आएगा। तुम्हारा तो 98 आ रहा था। नहीं, 90 आ जाएगा। 8 कम हो गए कराते में। हाँ, आपके कितने नंबर आएंगे? हमारा आएगा 80+। 80+ तुम्हारा पास हो जाएंगे बस। अरे सबसे रट्टा मारो मेरे पास है। इनका मौरा तुम्हारा कितना आएगा नंबर? 60 आ जाएगा, पास हो जाओगे। चलो बढ़िया। राम राम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ भूली से आसनसोल जा रहे हैं और हम लोगों की ट्रेन छूट गई है, तो अभी पूरा वेट कर रहे हैं। वैसी फीलिंग आ रही जैसे हम लोगों की मतलब अब हो गया हो, अब इंतजार करना है। साइन ऑन कर लिया है, अब जब गाड़ी आएगी तब उसको पकड़ा जाएगा। तब तक अपने दोस्तों से कल कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। कल हमारी हॉकी टीम जीती है, आप बताएं हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। बहुत बढ़िया भाई, कुछ लोग अपडेटेड हैं, अभी भी तैयारी करने के बाद भी अपडेटेड हैं। फुटबॉल टीम का कैप्टन कोई बताए? सुनील छत्री। सब लोग अपडेटेड हैं, हमको छोड़ के। दोस्तों, इंतजार करते करते प्लेटफार्म धनबाद प्लेटफार्म पर 1 घंटा हो गया है, तो अब हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं, बस ठंडा है, बिस्किट है। लोको पायलट के लिए यही पार्टी है भाई। पार्टी है जो भी है। कुछ कहेंगे आप? बोलिए, पर ठोस लीजिए उसके बाद। दोस्तों, लोको पायलट की जिंदगी ऐसी है, ज़्यादा पैसे हैं लेकिन खाने पीने के लिए कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए हमेशा अपने पास बिस्किट और बिस्किट रखिए जरूर। दोस्तों, जब भी आप कोई भी ऐसी वस्तु है जो फेंकने लायक है तो उसको हमेशा डस्टबिन में ही डालें, और एक जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि प्लेटफार्म हमारे भाई लोग जो भी कर्मचारी हैं बहुत मेहनत से साफ करते हैं। अगर आप ऐसे गंदा करते रहेंगे तो सफाई की जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है, सबकी है। धन्यवाद।